Ladies and gentlemen, this is Dinchak Pappu presenting you the Khaj song. सेल्फी मैंने ले ली आज मेरे सर में हो रही खाज मैं तो गाने गाऊंगा अपनी खाज मिटाऊंगा दिनचक पप्पू दिनचक पप्पू दिनचक पप्पू। हेलो नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे शौकीन स्टूडियोज में जहां आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल सिंगिंग सेंसेशन जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा रखा है। आपने यूट्यूब फेसबुक सब जगह इनके गाने सुने होंगे। सो लेट्स वेलकम मिस्टर दिनचक पप्पू। थैंक यू। हेलो जनता, थैंक यू सर। हम शुरुआत करेंगे आपके लेटेस्ट सॉन्ग से, द खाज सॉन्ग, जिसने तहलका मचा दिया है, सेल्फी मैंने ले ली आज मेरे सर में हो रही खाज। अगर उसकी दो तीन लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुना देते तो मजा आ जाएगा सर। जरूर जरूर। द खाज सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हर्ट। इसकी चार लाइन्स मैं आपको सुनाता हूँ। सेल्फी मैंने ले ली आज मेरे सर में हो रही खाज, सारी रात खुजाऊंगा फिर भी मैं ना नहाऊंगा, फिर भी मैं ना नहाऊंगा। ओ सर मार ही डालोगे सर, फिर भी मैं ना नहाऊंगा। इतनी डीप, इतनी गहरी बात, क्या बात है सर। मतलब क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं सर, कभी नहीं नहाते आप? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं नहाता हूँ। नहाने से सारा टैलेंट्स निकल जाता है, मेरे शरीर में मैल की तरह टैलेंट भरा है। अगर मैं नहा लिया तो सारा टैलेंट्स विल गो आउट। क्या बात कही है सर आपकी। बात आपके गाने सुन के हमें अपने सर में हथौड़ा मारने का मन होता है सर। आई लाइक्स योर हथौड़ा, इसमें स्वैग है आपके हथौड़े में। सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है इतने अद्भुत, इतने दिनचक गाने लिखने की? सेल्फी मैंने ले ली आज मेरे सर में हो रही खाज, इतना टैलेंट, ये सब कहाँ से सीखते हैं सर आप? ये सारी इंस्पिरेशन मुझे श्री श्री दिनचक पूजा जी से मिलती है। उनकी सिंगिंग में जो जादू है, आदमी एक बार सुन ले उनका दीवाना हो जाता है। उनके दारू दारू सॉन्ग से इंस्पायर होके मैंने दारू मारू सॉन्ग लिखा था। दारू मारू, क्या बात है सर। देख रहे हैं आप दिनचक पप्पू जी कितने टैलेंटेड हैं, कितने क्रिएटिव हैं, और ये सब इन्होंने सीखा है दिनचक पूजा जी से, जिनका सारा स्वैग इनमें आ गया है। सर इस दारू मारू गाने की दो तीन लाइनें हमारे दर्शकों को प्लीज जरूर सुनाएं। दारू दारू दारू, सर ये गाना तो बिल्कुल एकदम दिनचक पूजा जी का कॉपी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनके सॉन्ग में था दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको मारू, मैंने ओरिजिनल लिखा है, जो नाचे उसको मारू। बहुत खूब सर, और आपकी इसी बात पर एक हमारी दिनचक आंटी है, वो कुछ कहना चाहती है। प्लीज प्ले द क्लिप। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। और सर इससे आगे दिनचक आंटी ने आपकी तारीफ में कुछ ऐसे धार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है जो हम अपनी जनता को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए नेक्स्ट सवाल है सर, आपको ऐसा कब लगा कि दिनचक पूजा जी की तरह आपको भी सिंगिंग की दुनिया में कदम रखना चाहिए? अरे वो तो हमारी गली में बहुत सारे डॉगीज थे, सारी रात भौ 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 करके मुझे सोने नहीं देते थे। फिर एक दिन मैंने तेज आवाज में सेल्फी मैंने ले ली आज वो गाना चला दिया, तो सारे डॉगीज भाग गए, और तब मुझे धिनचक पावर का एहसास हुआ, और तब से मैंने धिनचक पूजा जी को, श्री श्री धिनचक पूजा जी को अपना गुरु मान लिया। सर कभी आपको लगा था कि आप इतने फेमस हो जाएंगे, धिनचक पप्पू नाम घर घर में सुनाई देगा? अरे ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था, जब पप्पू पॉलिटिक्स में हो सकते हैं तो सिंगिंग में काहे नहीं कामयाब होंगे। बहुत सही बात कही सर आपने, और हम सब जानते हैं कि आजकल पप्पू पॉलिटिक्स में है, पूजा सिंगिंग में है, सब जगह पप्पू पूजा छाए हुए हैं। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका नेक्स्ट गाना कौन सा आ रहा है सर? मेरा नेक्स्ट गाना है डीटीसी। सर ये डीटीसी वही है जो दिल्ली में बसें चलती हैं? हाँ हाँ वही वाली डीटीसी दिल्ली में चलती डीटीसी। गाना मैं गाऊं दिनचक, आवाज मेरी मीठी सी डीटीसी। क्या बात है। तो ये थे हमारे दिनचक पप्पू जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दिनचक दोस्तों को टैग करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल यूट्यूब पर एल शौकीन फिल्म। थैंक यू, बाय बाय। डीटीसी दिल्ली में चलती डीटीसी गाना मैं गाऊं दिनचक,